हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में बिग बॉस के घर से जाने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों एक बड़ी खबर, एक शॉकिंग न्यूज सामने आ चुकी है, वो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बता देता हूँ। दोस्तों हमने देखा कि वीकेंड के वार पे सभी कंटेस्टेंट के वोट आउट करने के बाद शहजाद देओल घर से एविक्ट हो चुके हैं। आपको बता दो दोस्तों कि वो कल तक, जो आज के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा दोस्तों, या फिर आपको कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली में एविक्ट हो चुके हैं दोस्तों। और क्या कुछ उन्होंने लेटेस्ट वेब पोर्टल मीडिया रिपोर्ट्स को कहा है दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से वेब पोर्टल मीडिया को उन्होंने क्या कुछ बड़ी चीज़ें घर के बारे में खुलासा किए हैं, वो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से शहजाद देओल की जो एविक्शन हुई है वो आपके हिसाब से फेयर है या नहीं। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपना सपोर्ट हम तक जरूर पहुँचाएं। दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कि सीनियर्स के आने से आपको क्या लगता है कि बिग बॉस 14 में क्या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा सीनियर्स ने कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाला। हालांकि वो हमें गाइड करने के लिए नहीं थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सीनियर्स को आना कुछ हमारे लिए सही हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग दबे दबे और सीनियर के अंदर में फील कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं गलत हुआ। उनसे जब आगे पूछा गया कि निक्की तंबोली आपको कैसी लगती है, तो उन्होंने बताया कि निक्की तंबोली मुझे सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट लगती है और बिल्कुल ही बदतमीज है, उनको बात करने की तमीज नहीं है, जैसा कि उन्होंने कई बार घर में भी कहा है दोस्तों, वही चीज़ें वो मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहे हैं। और साथ ही आपको बता दूँ कि आगे जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि जो सलमान खान ने वो चीज़ें की जिसके वजह से आप पे वोट आउट हो गया, उस वो कुछ इफेक्ट पड़ा, तो उन्होंने कहा कि हाँ शायद थोड़ा सा पड़ा, लेकिन लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी वो चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इसके वजह से ये सोच के नहीं किया था कि सभी मुझे ही वोट आउट कर देंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट जरूर किया है। जब उनसे पूछा गया कि सिद्धार्थ आपको क्या लगता है कि क्या वो निक्की की तरफ का अनफेयर थे या फेयर थे या अनफेयर थे, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह पे सही थे, कुछ लोगों को अनफेयर लग रहा था, तो वो उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से सही कर रहे थे। जब उनसे आगे पूछा गया दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कंटेस्टेंट अभी घर में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, तो उन्होंने फिर से दोस्तों निक्की का ही नाम लिया और उन्होंने कहा कि निक्की तंबोली मुझे बिग बॉस 14 की सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट लगती है। आगे दोस्तों आपको बता दूं, जब उनसे पूछा गया अभिनव अब निशांत से हुए हाल में ही लड़ाई के बारे में, तो उन्होंने कहा कि निशांत से मेरी नहीं बन रही थी, हालांकि हमारी थोड़ी बहुत बात उसके बाद भी हो रही थी, लेकिन मुझे मेरी पूरी तरह से निशांत से बात होनी बंद हो चुकी, मतलब कि जो वो उस तरह की बातें मैं पहले करता था ज़्यादा, वो बंद हो चुकी थी उस लड़ाई के बाद। आगे जब उनसे पूछा गया कि आपको रूबीना के बारे में क्या कुछ है कहना, रूबीना आपको कैसी कंटेस्टेंट बिग बॉस के अंदर लग रही है, तो उन्होंने कहा कि रूबीना घर की सबसे स्ट्रांगेस्ट कंटेस्टेंट अभी घर के अंदर दिखती है, वो स्मार्ट हैं काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छा प्ले भी कर रही हैं बिग बॉस 14 को। हालांकि कुछ चीज़ें, जैसा कि सलमान खान सर ने उन्हें समझाया, उन चीज़ों पे उनको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा घर में करती हुई आगे हम सभी को नज़र आने वाली है, ऐसा शहजाद कहते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो क्या रूबीना आप काफ़ी आगे जाएंगी, तो उन्होंने कहा रूबीना काफ़ी आगे जाएंगी, मैं निक्की को आगे जाते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम, ऐसा सलमान सर ने कहा कि दिखाती है, लेकिन वो बिल्कुल ही इरिटेटिंग है घर के अंदर। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी दोस्तों सिद्धार्थ शहजाद के एविक्शन से खुश हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलें। फर्दर अपडेट्स के लिए बिग बॉस के घर से सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को, देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।